नमस्कार निमाज, आप देख रहे प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय आज नीमच दौरे पे थे। इस दौरान जावद और नीमच में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में नीमच में देखा गया कि विधायक दिलीप सिंह परियार, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार सहित विधायक मनासा माधव मारू भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता वाहनों पर सवार होकर महिला और पुरुष अपने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के नारे लगाते हुए चल रहे थे। तिरंगा यात्रा जिन जिन मार्गों से होकर गुजरी वो मार्ग जो है भारत माता के जय के नारों से गूंज उठे। सारे टाउन हॉल पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करा। साथ ही मीडिया के सवालों पर महंगाई से लगाकर भाजपा कार्यकर्ता जो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे, इन सवालों पर उन्होंने कहा कि महंगाई तो सभी देशों में है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हाल ही में सिंधिया समर्थक जो है समंदर पटेल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए, इसको लेकर उन्होंने कहा कि समुंदर में से लोटा अगर भर के निकाल लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर सिंधिया समर्थक समुंदर पटेल के जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे होते हैं। साथ ही साथ जब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मध्य प्रदेश की अगले सीएम का चेहरा क्या कैलाश विजयवर्गीय होंगे सवाल किया गया, तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय इस पर जवाब देने से बचते हुए दिखाई दिए। देखते हैं क्या कुछ मीडिया के सवालों पर कहा भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। समुंदर जी पटेल जो है सिंधिया के खास हैं। एक तरफ वो आए थे दीपक जोशी पहले गए, उसके बाद में समुंदर जी पटेल है, उन्होंने भी छोड़ा है और काफी बड़े आरोप मंत्री जी पे भी लगाए। इसको किस नजर से देखते हैं और क्या भाजपा के लिए क्या स्थिति बनेगी आगामी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समुंदर है, उसमें एक आध लोटा के इधर उधर चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाइन में आप भी हैं, इसको भी देखते हैं। मुख्यमंत्री की दौड़ में आप भी हैं सर? कैलाश जी मुख्यमंत्री की दौड़ में आप भी हैं क्या? रावत विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन और वहाँ पर तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुआ, बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ तिरंगा यात्रा का भी और कार्यकर्ता सम्मेलन भी। वहाँ से परसों रात को पवन जी का आग्रह था कि आप आ रहे हैं तो नीमच में भी हम तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष में हम एक कार्यक्रम रख लेते हैं। ताबड़ तोड़ का कार्यक्रम था, मैंने हाँ भर दी। यहाँ आने के बाद ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए और हम इन 75 वर्षों में कहाँ हैं और हमसे जो हमारा हिस्सा अलग हुआ पाकिस्तान वो कहाँ है, इसको हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमारे नेतृत्व ने कमाल किया। यदि हम आर्थिक पहलू देखें सिर्फ, तो पाकिस्तान की तुलना में आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, पर मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 सालों के अंदर हमने आर्थिक प्रगति की। भारत सरकार का बजट बड़ी मुश्किल से 13 लाख 14 लाख का हुआ करता था, आज 45 लाख का बजट है। हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों अमेरिका की पार्लियामेंट में जब भाषण दिया तब उन्होंने कहा था कि मैं जब पहली बार आया था तो हम विश्व की 10वीं इकोनॉमी थे, आज हम 5वीं इकोनॉमी हैं और आने वाले वर्षों में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ये अमेरिका के पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बड़े स्वाभिमान के साथ ये बात कही और इसलिए हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम स्वतंत्र हुए, हमने विकास किया। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ वो बर्बाद हो गया, आज वहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, आज वो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। और कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि हम आज हमारे नेतृत्व के कारण विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति बन गए हैं। और एक हमारा सपना कभी हुआ करता था कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, तो जैसा कि अमृत काल अभी चल रहा है 2047 तक हम हमारे देशवासियों के माध्यम से सबका साथ सबका विश्वास इस नारे को सार्थक करते हुए 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान हो, एक बड़ी ताकत के रूप में भारत की पहचान हो, इस दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि देश की जनता भी इसके साथ हम कदम सर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है जिस तरह से, महंगाई भी उसी स्तर पर बढ़ रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महंगाई किसी एक देश की नहीं बढ़ रही है। अब ग्लोबल विलेज एक नया टर्मिनोलॉजी है, नाम सुना होगा आपने, ग्लोबल विलेज,
दुनिया एक गांव हो गई। एक समय था जब दुनिया बहुत बड़ी होती थी, हमें अमेरिका जाना तो टेलीफोन से बात ही नहीं होती थी, आज अमेरिका के व्यक्ति से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं। दुनिया एक गांव हो गई और इसलिए गांव में हर चीज़ का असर, एक देश में यदि अकाल पड़ता है तो उसका असर दूसरे देश में पड़ता है। कोविड की महामारी के बाद सारे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, सारे विश्व की, उसके बाद भी आज भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक। राजस्थान की सरकार का राजस्थान में वहाँ पर पेट्रोल जो है, अपने गैस जो है, गैस के दाम काफ़ी कम है, इसको लेकर किस तरीके से आम जनता के बीच कैसे जाएगी भाजपा? कहाँ कह दिया है? किसने कह दिया? 500 रुपये में ढंकी देने का दावा कर रहे हैं वो। दावा कर रहे हैं, दावा तो कांग्रेस ने भी किया था कि किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। दावा तो ये भी किया था कि किसान नौजवानों को 4,000 रुपये मिलेंगे। आप नौजवान हो ना, 4,000 मिले आपको, इसे दावे से क्या होता है? सर, तो ये रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा दी जा रही है ना? नेतृत्व सर ये आरोप लगा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कि 50% कमीशन का भुगतान करने के बाद ठेकेदारों को भुगतान होता है, इसे कितना ठीक मानते हैं? पुलिस के सामने वो जवाब देंगे कि कहाँ से आपने शिकायत की, उनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया। इस प्रकार यदि आप झूठे दस्तावेज कर सरकार को या किसी व्यक्ति को भी बदनाम करने की कोशिश करोगे तो इस देश के अंदर कानून है, वो कानून सबके लिए, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कमलनाथ। विधानसभा चुनाव है, ये सब पुलिस के सामने आके जवाब दे। विधानसभा चुनाव है, समुंदर जी पटेल जो है सिंधिया के खास हैं। एक तरफ वो आए थे दीपक जोशी पहले गए, उसके बाद में समुंदर जी पटेल है, उन्होंने भी छोड़ा है और काफी बड़े आरोप मंत्री जी पे भी लगाए, इसको किस नजर से देखते हो और क्या भाजपा के लिए क्या स्थिति बनेगी आगामी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 30 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समुंदर है, उसमें एक आध लोटा के इधर उधर चले जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की लाइन में आप भी हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में आप भी हैं सर? शैलाजी मुख्यमंत्री की दौड़ में आप भी हैं क्या? शैलाजी एक मिनट सर, संविधान में जो संशोधन